तो दोस्तों दिसंबर महीना आ रहा है और दिसंबर महीने का मतलब ये है कि सेलिब्रेशन और उसी के साथ धमाकेदार सेल्स। लेकिन इस वीडियो में एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को स्किप मत करना। आज हम कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ अमेजिंग एसेट्स और देखेंगे कि एसेट्स को यूज करके अपने वीएफएक्स इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैसे अमेजिंग वीएफएक्स शॉट्स को हम लोग बनाते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और मेरा ये फेस पहली बार देख रहे हो, तो ताकि हम लोग हमको भूले ना, इसलिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दे, कमेंट करें अपना फीडबैक और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और उसी के साथ आप लोगों ने अभी तक हमारा नया चैनल वीएफएक्स वर्ल्ड शॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग हैं फिलहाल अभी आफ्टर इफेक्ट्स पे, तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल 3 फुटेजेस हैं जो कि मैंने करके रखा है पहले से। सो दिस इज द फर्स्ट फुटेज, मैं इसे प्ले करता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे दिख सकते हैं आप लोग कि कुछ ऐसे फायर बॉल्स जैसे कुछ है और पीछे इनका एक ऐसे फायर सर्कल्स है, उसी के साथ फेस में ऐसे ग्लो, वो सारे लाइट ट्रैप वगैरह। और फिर अगर आप दूसरा फुटेज की बात करें जो कि इसके नीचे ही है, जो कि है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे फायर स्पिन ऑफ जैसा है, मतलब जैसे फायर होता है ना हाथ में, वो स्कारलेट विच जैसा कुछ वैसा। और फिर जो तीसरा फुटेज है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, वो कि योगा सेशन के साथ साथ कुछ अमेजिंग पावर्स का इस्तेमाल करना। बट गाइज मेक श्योर ये सारे के सारे चीज़ें हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स में किया है और बहुत ईजीली इसको एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। इसके लिए आपको मतलब कुछ एरे गरे, मतलब कोई हाई लेवल वीएफएक्स जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो। और हाँ, अगेन वीडियो के पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट सरप्राइज है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जाना पड़ेगा इस वेबसाइट में जहां से मैंने इसको प्रोवाइड किया है, बिकॉज इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है एक्शन वीएफएक्स। यस, दिस वीडियो इज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय एक्शन वीएफएक्स, और जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग आज यूज करेंगे दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली प्रोवाइडेड बाय एक्शन वीएफएक्स। तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा actionvfx.com, तो उन लोगों के वेबसाइट में आप लोग जाओगे और जो भी लोग इसको परचेस कर सकते हो आप डेफिनेटली परचेस करो। बट आपको जाना पड़ेगा यहां से, मेरा अकाउंट है यहाँ पे, डाउनलोड्स के अंदर आपको मिलेगा इनका अलग अलग प्रोडक्ट्स। और सबसे मज़ेदार बात यह है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है मूवीज़ में इस्तेमाल हुआ है। यस, लोकी में एक्शन वीएफएक्स का बहुत एक महत्वपूर्ण मतलब हाथ है। लोकी का जो भी आप वीएफएक्स देखोगे वहाँ पे, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हो वहाँ पे मोस्टली जगह पे एक्शन वीएफएक्स का प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ फायर ब्लास्टर्स हैं, ऐसे यहाँ पे है फायर एनर्जी बॉल्स। अगर आप सिंपली यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे एनर्जी बॉल्स जो कि मैं फिलहाल अभी यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे। सबसे प्लस पॉइंट इस चीज़ का है ये सब 2K और 4K में मिलेगा। 4K वाला जो वर्जन होता है वो हम होता है OpenEXR फॉर्मेट में, मतलब आप उसके साथ मल्टीपास कंपोजिटिंग कर सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये वीडियो पे मैंने एग्जैक्टली ये जो ब्लास्ट है, डास्ट एक्सप्लोजन वगैरह, वो सब मैंने यूटिलाइज किया था। और ट्रस्ट मी, जो भी प्रोडक्ट्स लोग देते हैं ना, मतलब कमाल, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। तो इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसके ऊपर CC करके इसका कोई भी कलर्स को चेंज कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज होगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, जैसा कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में मेरा वो वीडियोस था, वो फायरबॉल्स को मैंने दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो आपको यहाँ पे फ्री में भी कुछ मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का भी कुछ फ्री चल रहा है यहाँ पे, तो जैसे फ्री वीएफएक्स चैलेंजेस में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ फ्री एसेट्स मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे फ्री पोर्टल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको भी आप यूज कर सकते हो आपका कोई भी वीएफएक्स का एक शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आई वॉन्ट कि आप लोग मेरे को यहाँ से कोई भी एक फ्री प्रोडक्ट को यूज करके आप मेरे को भेजो, ताकि मुझे भी देख के अच्छा लगे कि हाँ आप लोग मेरे वीडियोस देख के सीख रहे हो। तो मैंने एक फुटेज पे दिखाऊंगा आप लोगों को, एक छोटा सा एग्जांपल है फुटेज में, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ से अपना जो फुटेज है उसको पिक कर लेते हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ से अपना ये वाला जो फुटेज आप देख सकते हो, ये मैं इसको पिक करूंगा। तो मैं इसको सिंपल एक न्यू कॉम्प में डालता हूँ। ये आ गया मेरा एक फुटेज कुछ कुछ ऐसा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फ्लोर्स में जो है फायर बॉल्स वगैरह रहे, पीछे इनका फायर बॉल रहे, तो मैं इसको सिंपल ऐसे यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक, क्योंकि इसका फेस के बाद कुछ है नहीं, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डी कर देता हूँ या फिर यहाँ पे एन प्रेस करके राइट क्लिक ट्रिम टू कॉम्प एरिया कर देता हूँ, ताकि सिर्फ इतना इससे कट होकर निकल जाए। उसके बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोर जहाँ तक है वहाँ तक इसको रखना है। तो आई थिंक
इतना हिस्सा इज इनफ फॉर 3D ट्रैकिंग। सो यस, इसके बाद हम लोग क्या करोगे, इसको ऊपर वाला हिस्से को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसको करके एनिमेशन एंड देन ट्रैक कैमरा, सिंपल यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैक होगा। जैसे ही हो जाता है मैं वापस आता हूँ। सो यस, कैमरा ट्रैकिंग इज कम्प्लीटली डन। आप देख सकते हो फ्लोर्स में कुछ अमेजिंग ट्रैकर्स आ चुका है और मेरे लिए बस इतना बहुत है, इनफ है। तो मैं यहाँ से फ्लोर से कोई भी ऐसे एक ट्रैकर को पिक कर लिया, राइट क्लिक। आप चाहो तो इसको ग्राउंड प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे एलिमेंट 3D हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। सो चिल, आपको सिंपली इसको करना पड़ेगा क्रिएट नल एंड कैमरा, सिलेक्ट दिस और आपके पास आ जाएगा ये नल। जस्ट स्केल इट अप, कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद सिंपल आपको एसेट्स को डाउनलोड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी एक एनर्जी साइड है, जैसे ये है अपना जो कुछ ऐसा जो फ्लोट्स के लिए बना हुआ है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे प्ले करोगे, सी आपका जो एनर्जी बॉल्स है यहाँ पे दिखेगा आपको। सो सिंपल इसको पहले क्या करना है, इसको 3D में करना है कन्वर्ट, और जो नल ऑब्जेक्ट है उसका पोजिशन को सिंपल कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। इस पर जाकर पोजिशन कंट्रोल वी, तो ये होगा पेस्ट। अभी इसको अपना पोजिशन यहाँ पे देना है, स्केल में जाना है और इसको ऐसे हम कर देते हैं स्केल अप। ठीक है, अब देख सकते हो थोड़ा सा ऐसे रोटेटेड है इसको, तो हम क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए और अब कंट्रोल क्लिक करके, अगर आप नॉर्मल रोटेट करोगे आप सी बहुत खट 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 के रोटेट होता है, सी ये बहुत ऐसे रोटेट हो रहा है, बट आपको चाहिए कि एकदम एक्यूरेसी के साथ रोटेट हो, तो आप कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करोगे तो ये बहुत स्लोली रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इसका टाइम लेंथ को भी चेंज कर सकते हो, ये ऑलरेडी हाई FPS पे शूट है, बहुत फास्ट है। सो जैसे फुटेज है स्लो मोशन पे, तो आप राइट क्लिक टाइम एंड देन टाइम स्ट्रेच, यहाँ पे देख सकते हो ये है फिलहाल 2 सेकेंड और मैं इसको कर देता हूँ 4 सेकेंड पे, तो इसको ओके कर देते हो। सो अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा देर बाद स्टार्ट हो कुछ ऐसा। सो अभी अगर आप इसको प्ले करोगे, सी ये फिर भी बहुत फास्ट है बाय द वे, बट आप चाहो तो इसको और भी स्लो डाउन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है इसका जो रिफ्लेक्शन, सी इसका जो फ्लोर है फिलहाल बहुत शार्प है विदाउट एनी ब्लर। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको डुप्लीकेट करूँगा और रोटेशन पे जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन है, रोटेशन है, एक्स एंड वाई एक्सिस, जी एक्सिस, जेड एक्सिस पे, तो आपने को सिंपल इसको रोटेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे लेंगे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लिप वर्टिकल। जैसे अब इसको फ्लिप वर्टिकल करोगे, सी इट्स रोटेटेड सक्सेसफुली। अब इसको सिंपल इसका पोजिशन जो है इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना है, दैट्स इट, फाइन ट्यून। ओके, इसके बाद अगर आप प्ले करोगे आपको लगेगा कि इसका रिफ्लेक्शन फ्लोर पे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आता है, इतना रिफ्लेक्शन इतना क्लियरली नहीं दिखता यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी को डाउन कर सकते हैं और हम इसको कर सकते हैं स्क्रीन। जैसे हम इसको स्क्रीन करेंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली अपने को ये वाला को भी स्क्रीन करना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। गाइस, कॉम्प अगर आप कर रहे हो तो आपको कॉम्प का कुछ बेसिक रूल्स भी पता होना चाहिए, जो ये उन चीज़ों में से है। ये देखो, ये स्मोक है तो ये सॉलिड नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंसी होगा, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन करना पड़ेगा। उसके बाद हम ऊपर वाला जो अपना शेडो है इसको हम रीडिम कर देते हैं, इसका रिफ्लेक्शन कर देते हैं, ऐसे तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका जो ट्रांसपेरेंसी है मैं इसको कर दूंगा ऐसे डाउन, ताकि अभी जो इसका रिफ्लेक्शन वैल्यूज है, अगर आप इसको प्ले करोगे, सी इसका रिफ्लेक्शन जो है वो क्लियरली आपको दिखेगा, लेकिन देर इज नो डेप्थ ऑफ फील्ड, देर इज नो ब्लर। सो आप या तो कैमरा का जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर सकते हो, और एल्स आप यहाँ से यूज कर सकते हो गॉशियन ब्लर। तो मैं यहाँ से दोनों में ही गॉशियन ब्लर को डालूंगा, रिफ्लेक्शन में थोड़ा ज्यादा डालूंगा, तो यहाँ से जैसे भी इसको इंक्रीज करोगे। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है जो टॉप वाला है इस पर भी गॉशियन ब्लर को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे। ये हो गया ब्लर, लेकिन इसका ब्लर वैल्यू कुछ ज्यादा है, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा 5, तो ये थोड़ा सा कम हो गया। अगेन, अगर आप चाहते हो तो कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कैमरा जो है सामने आ रहा है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है टेक्निकली। सो इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये डायनामिकली चेंज होता है, तो यहाँ से हम अगर कलर्स के ऊपर खेलना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो इन दोनों को राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर सकते हो और मूव ऑल एट्रीब्यूट कर सकते हो। हम इसको कर देंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट, चला गया अंदर। इसके बाद देख सकते हो पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, सी ये अलग ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो हम इसको कर देंगे सिंपल ऐसे, तो यहाँ पे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से यूज करेंगे and saturation. So, इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। जैसे आप ड्रॉप करोगे, इसका कलर जो है बैक हो गया, जो एग्जैक्ट कलर पहले था, बट आप चाहते हो यहाँ पे कोई भी कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब सी इसका फेस में ऐसे येलो कलर्स का जो है रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली अपने को यहाँ पे कुछ येलो टोन के ऊपर ही या फिर ऑरेंज टोन के ऊपर रखना चाहिए। तो हम इसका जो मास्टर लाइटनेस है इसको कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे,
सो नाउ गाइज अगर आप इसको प्ले करते हो, इसको फिट टू स्क्रीन कर देते एंड नाउ सी हाउ इट्स लुक लाइक। वाओ इट्स लुक्स कंप्लीटली अमेजिंग। एक लग रहा है फायरबॉल जैसा सीनारी हुआ, कैमरा उसके अंदर से जा रहा है। और हाँ, दूसरा चीज, अगर आप देखते हो ये वाला फुटेज पे, अपना पहला वाला फुटेज, इसके पीछे से फायरबॉल आपको दिख रहा होगा, तो ये मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया ये अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अभी सबको ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है। तो मेरा जो फायरबॉल है, आई वॉन्ट कि वो फायरबॉल कुछ कुछ यहाँ से स्टार्ट हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डी मैंने प्रेस किया, तो ये हो गया कट। और इसके बाद हम लोग जो कैमरा ट्रैक है इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा जो सीनारियो है वो एग्जाम सही है। सी इट्स कम्प्लीटली डन। जो कैमरा है इसको भी कर देते ऑन, तो यहाँ तक है मेरा कम्प्लीटली डन। बट इसके बाद होगा वो पीछे फायरबॉल इफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फुटेज इसको ले जाएंगे टॉप पे। ठीक है, ऐसे इसको ले जाएंगे टॉप पे, राइट क्लिक, रीनेम FG, बिकॉज इट विल बी काउंट एज इन फोरग्राउंड। ओके, हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे सिंपल रोटोस्कोपिंग। बट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले रोटो ब्रश। और आई थिंक आप लोगों ने मेरे को रोटो ब्रश यूज़ करते हुए पहली बार देखोगे, बट हाँ रोटो ब्रश में थोड़ा हैवी हो जाएगा फाइल, सो मेक श्योर आपको ध्यान से करना है। तो रोटो ब्रश सिलेक्ट करो और फुटेज को डबल क्लिक करो, तो ये आ जाएगा अपने इंडिविजुअल कॉम्प में। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, रोटो ब्रश को फर्स्ट फ्रेम पे जाना है और ऐसे आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल जैसा रोटो ब्रश जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। अभी अंदर का जो हिस्सा है अपने को इसको करना है कट, तो ऑल प्रेस करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे सी इट्स स्टार्ट गेटिंग डिक्रीजिंग। अब सिंपल ऐसे आगे बढ़ोगे, देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली जो रोटो ब्रश है वो अपने हिसाब से इसको डिफाइन करता जाएगा। बाय एनी चांस कहीं पे ये छूट सकता है, देखो अभी ये कम्प्लीटली छूट गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ तक आपको लगा कि हाँ ये सही है वहाँ पे जाके एक छोटा सा ऐसे क्लिक कर दो, ताकि वहाँ पे की फ्रेम जो है वो गिर जाए। अभी आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, तो आप देख सकते हो कि इसका जो रोटो ब्रश इफेक्ट धीरे धीरे जा रहा है आ रहा है। तो आपको सिंपल इसका कम्प्लीटली जो रोटोस्कोपिंग है उसको कट करके निकालना है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए जस्ट सिंपल एक रोटो ब्रश को यूटिलाइज किया है। और आपको एक्जैक्टली रफ रोटो ही चाहिए, इतना डिटेल में रोटो आपको नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे आपका ये रोटो ब्रश का इफेक्ट हो जाएगा, आप जैसे इसका मेन कॉम्प में आओगे, मतलब ये जो मेरा मेन कॉम्प है, आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली PNG पे कट होकर आ चुका है। सिंपल जस्ट ऐसे रफली ड्रॉ करो, ये कट होकर आ जाए। इसके बाद जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, आपका जो मेन फुटेज है वो भी आपको दिखने लगेगा। सो देखो इसके नीचे जो है, इसके नीचे आपका मेन फुटेज भी होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे आपका मेन फुटेज नहीं है क्योंकि ये मेन फुटेज हमने कट कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका मेन फुटेज को सिंपल से ड्रैग कर दूंगा। तो अभी सिंपल इसके ऊपर एक रोटोस्कोपिंग है जो फोरग्राउंड में, इसका बैकग्राउंड में इसका मेन फुटेज है, इन दोनों के बीच में जाएगा मेरा वो पोर्टल। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपना 3D कैमरा ट्रैकर को, यहाँ से बैकग्राउंड से कोई भी एक जस्ट बेसिक राइट क्लिक एंड देन क्रिएट अ नल। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नल जो है वो बैकग्राउंड के लिए जो है वो क्रिएट हो गया है। जस्ट मुझे पोजीशन चाहिए वहाँ का। ठीक है, अब जैसे इसका पोजीशन मिल गया मुझे, हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी, अगर आप देखते हो शायद ये वाला ही मेरा पोर्टल, सो मैं यहाँ पे ये वाला पोर्टल को यूज़ कर रहा हूँ जो टॉप में से दिख रहा होगा। तो इसको जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है FG के नीचे और फिर इसको करना है 3D पे कन्वर्ट। जैसे हमने 3D पे कन्वर्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको ड्रैग करो और अपने पोजीशन पर डालो, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, एंड देन इसका जो नल का है पोजीशन को कॉपी करते हैं Ctrl+C, इसे Ctrl+C कॉपी हो गया, फिर यहाँ पे जाके Ctrl+V, तो अभी एकदम पीछे चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे साइज को ऐसे बड़ा, कुछ कुछ ऐसा, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो जी एक्सिस है ये अभी फिलहाल वो बैकग्राउंड के साथ स्टिक है, तो इसको हम कर देंगे थोड़ा सा आगे ऐसे ड्रैग, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है, और इसका साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देते, बस दैट्स इट। अगर आप अभी इसको प्ले करोगे सी, आपका जो है कुछ ये ऐसा दिखेगा। वाओ नाइस राइट। हम इसका पोजीशन को जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि मेरे को फेस के अकॉर्डिंग चाहिए, और इसके ऊपर हम या दैट्स इट फाइन। अब हम क्या करेंगे, जैसे फोरग्राउंड कर देंगे ऑन, आप देख सकते हो थोड़ा लोड है क्योंकि रोटो ब्रश जो है वो बार बार रीलोड लेता है, ये इसका एक प्रॉब्लम है। बट अभी देख सकते हो इसका जो एज है, ये एज के साथ पीछे को मतलब मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइट रैपिंग, और यहाँ से आपको मिलेगा BCC लाइट रैप। सी दिस इज कॉल्ड BCC लाइट रैप। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो FG पे। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे थोड़ा सा लोड लेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है नन, मैं यहाँ से कर दूंगा अपना FG लेयर को सिलेक्ट और यहाँ से सोर्स को कर दूंगा मास्क, दैट्स इट। अगर आप इसको अभी ऑन ऑफ करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे एजेस पे एक हल्का सा लाइट रैपिंग हो रहा है जो कि पीछे के कलर के साथ मैच हो रहा है। इसके बाद अगर आप चाहते हो सेम अगेन, यहाँ पे आप यू एंड सैचुरेशन को यूज कर सकते हो कुछ ऐसा। इसका कलर्स को मैं ऐसे इंक्रीज कर देता हूँ कुछ ऐसे, एंड देन आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो लेट्स सी जस्ट ग्लो इफेक्ट। आई रियली लव दिस ग्लो इफेक्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे, देख सकते हो फिलहाल ग्लो को मैं इंक्रीज करके ऐसे कर देता हूँ और थ्रेशोल्ड्स को कर देता हूँ एकदम कम, कुछ लाइक दिस, और ग्लो इंटेंसिटी को भी मैं ऐसे कम कर देता हूँ। और इसका जो एनर्जी इफेक्ट्स है इसको कर दूंगा मैं
स्क्रीन, ताकि ये स्क्रीनली दिखे, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन हो। यस गाइज, बस ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसके साथ। सो गाइज, अभी आते हैं इस वीडियो का जो सबसे एक्साइटिंग डिपार्टमेंट है, मतलब क्या मैंने प्रॉमिस किया था और क्या मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो गाइज, बेसिकली इस वीडियो को बनाने के लिए जो जो एसेट्स मैंने यूज़ किया है वो ताकि आप लोग भी कर पाऊँ अच्छे से, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाओ, जैसे कि ये सब परचेस करना पड़ता है, राइट। सो मैं आप लोगों को ये सारे के सारे एसेट्स जो है जो मैंने यूज़ किए इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सारे के सारे मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ। आप सिंपली डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ ये अमेजिंग गिफ्ट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताओ और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। अगर आपको पसंद आया कि ये जो गिफ्ट मेरे तरफ से आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट मी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं आप लोग ये प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका मतलब यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पे यूज़ करो, काम करो। सो दिस आर ऑल एसेट्स आर कम्प्लीटली फ्री, सो गो एंड डाउनलोड एंड स्टार्ट मेकिंग सम रियली कूल स्टप्स। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि नीचे आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या है आपका फीडबैक इसके ऊपर। और बहुत जल्द इन लोगों का ब्लैक फ्राइडे सेल भी आने वाला है, बहुत जल्द, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। एंड अगेन, दिस वीडियो इज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाई एक्शन VFX, तो थैंक यू वेरी मच एक्शन VFX फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अमेजिंग एसेट्स। एंड गाइज, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप तब तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जाके फॉलो नहीं किया है, जाके कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा तब तक अगले वीडियो में। हैव फन, गो होम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग, कीप वॉकिंग VFX वर्ल्ड।